हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा केमिस्ट्री बाय एनपी शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने आपको वेट वॉल्यूम यूनिट पर आधारित विलयन की सांद्रता की तीन यूनिट आपको बता दी, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। आज हम आपको फॉर्मेलिटी के बारे में बताएंगे। मैंने बताया था कि यदि किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो और यदि उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फॉर्मेलिटी में ज्ञात। अब बात आती है कि सर मॉलिक्यूलर मास कैसे चेंज हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास दो स्थितियों के कारण चेंज हो सकता है, दो कंडीशन बनती हैं। या तो उस सॉल्यूट का वियोजन हो जाए या उस सॉल्यूट का संगुणन हो जाए। वियोजन या संगुणन होने के कारण, वियोजन यानी कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर यदि उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास चेंज कैसे होगा, यदि सॉल्यूट वियोजित हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए, या सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होकर एक नया फॉर्मूला फॉर्मेट कर ले, नया फॉर्मूला बना ले, तो उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर उस मॉलिक्यूलर मास को हम फॉर्मूला मास कहेंगे, सूत्र भार। तो जहां मोलैरिटी के अंदर हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यूज करते थे, फॉर्मेलिटी के अंदर हम सॉल्यूट का फॉर्मूला मास यूज करेंगे। तो वही जैसे मोलैरिटी में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक वैसे ही फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनेगा। F इक्वल टू मोलैरिटी में हमने क्या पढ़ा था, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो यहां पे भी वही आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, वहां वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, फिर था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहां पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट की जगह फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, वहां क्या था मोलैरिटी में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पे भी वही होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सेम चीज है, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी लगभग सेम है, बस ध्यान क्या रखना है कि यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, संगुणन या वियोजन हो रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी में शो करने की बजाय फॉर्मेलिटी में शो करना ज्यादा बेस्ट माना जाता है। इसलिए उसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन हम फॉर्मेलिटी में ज्ञात करते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान के चलो आपने एक सॉल्यूट लिया और सॉल्यूट का नाम है बेंजोइक एसिड। आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, C6H5COOH। और इस बेंजोइक एसिड को आपने सॉल्वेंट बेंजीन में डिजॉल्व किया, आपने बेंजोइक एसिड को किसमें डिजॉल्व कर लिया, सॉल्वेंट बेंजीन में, और एक सॉल्यूशन बना लिया। अब मान के चलो आपको क्वेश्चन आ जाता है
कि 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 2 लीटर सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर, 2 लीटर सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड आपने डिजॉल्व किया है, बेंजोइक एसिड वो आपने डिजॉल्व किया है मान के चलो 122 ग्राम। आपने बेंजोइक एसिड क्या था, अपना सॉल्यूट था, विलेय था, विलेय बेंजोइक एसिड कितना लिया आपने 122 ग्राम, विलयन सॉल्यूशन कितना है आपका 2 लीटर। अब आपसे प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि इस विलयन की आपको क्या याद करनी है, फॉर्मेलिटी याद करनी है, और चलो अपन ये भी कह देते इसकी मोलैरिटी भी याद करनी। तो इस विलयन की हमें फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी याद करनी है। अब देखो सबसे पहले हम मोलैरिटी याद करते हैं। मोलैरिटी के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये बताया था। चलिए अपन बात करते हैं। अब हमें ये देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन करना है फॉर्मूला हमें पता पड़ गया, उस फॉर्मूले में हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या क्या है, क्या वो रिक्वायर्ड वैल्यू हमें दी हुई है, अगर नहीं दी हुई है तो पहले उन रिक्वायर्ड वैल्यू को कहीं से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा यहां पर डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हमें मालूम है, मालूम है कितना है, डब्ल्यू इक्वल टू है 122 ग्राम। अब आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हमें मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है सॉल्यूट कौन है, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का हमें फॉर्मूला पता है C6H5COOH। तो यहां से आप इनके एटॉमिक मास को जोड़कर मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं इसका मॉलिक्यूलर मास है 122। फिर आप देखें क्या आपको V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, वो हमें क्वेश्चन में दिया है कितना है 2 लीटर। तो हमें तीनों वैल्यू पता है, इसमें पुट कर दो M इक्वल टू कितना आ जाएगा 122 अपॉन 122 इंटू 2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 m। ये इसकी मोलैरिटी आ गई। अब हम बात करते हैं हमें इसकी निकालनी है फॉर्मूला। फॉर्मेलिटी निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि बेंजोइक एसिड को आप बेंजीन में डिजॉल्व करते हो तो इन सॉल्यूशन सॉल्यूट फॉर्म डायमर, जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो डाइमर बना लेता है, अर्थात उसका एसोसिएशन हो जाता है, और एसोसिएशन होकर उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूं। बेंजोइक एसिड के साथ होता क्या है, देखो ये बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, एक एसिड की स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O सिंगल वन H। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं C6H5COOH। अब यहां आप देखें ये दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से आ जाते हैं और यहां ये हाइड्रोजन 2 उच्च विद्युत ऋणी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाती है, और यदि कोई हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाए तो वो हाइड्रोजन उस उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ एक बंध बना लेती है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में इसका जो डाइमर बनेगा उस डाइमर का फॉर्मूला मास वो कितना हो जाएगा 122 इसका, 122 इसका कितना हो जाएगा 122 प्लस 122 इक्वल टू 244,
और अब इसका अगर हम क्या निकालेंगे, फॉर्मेलिटी निकालेंगे, तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास वही है डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा, क्या आएगा फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, और फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 120, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 244 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 F। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है। मोलैरिटी में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यूज होता है, जबकि फॉर्मेलिटी में सॉल्यूट का फॉर्मूला मास यूज होता है। क्यों फॉर्मूला मास यूज होता है, क्योंकि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उस स्थिति में उस सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाने के कारण उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाता है और उस स्थिति में उसकी हम फॉर्मेलिटी निकालते हैं। चलिए, तो ये वेट वॉल्यूम यूनिट पर आधारित कॉन्सेंट्रेशन की मैंने चार इकाइयां आपको बता दी हैं, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। अब हम दूसरी यूनिट लेते हैं, वो है वेट वेट यूनिट, यानी कि भार भार इकाई। मैंने आपको बताया था कि सांद्रता को हम तीन मुख्य इकाइयों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक भार आयतन इकाई, दूसरी भार भार इकाई और तीसरी भार आयतन इकाई। तो अब हमारी सेकंड यूनिट रन कर रही है वेट वेट यूनिट। तो इसमें मैंने बता रखा है आपको वेट वेट यूनिट का मतलब, पहला वेट किसका होगा सॉल्यूट का, दूसरा वेट किसका होगा सॉल्यूशन का, या केवल एक यूनिट में बताऊंगा मोलैरिटी, उसमें क्या लूंगा सॉल्वेंट। ये सारी बातें मैं पहले भी कर चुका हूं। तो दूसरी बात, इस ये यूनिट टेम्परेचर से नो इफेक्ट, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें वेट में है और वेट पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां हम सबसे पहली यूनिट लेंगे वेट वेट यूनिट में, वो है वेट परसेंट, यानी कि भार प्रतिशत। वेट या मास परसेंट या वेट परसेंट, वेट परसेंट इसको हम W अपॉन W इन परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल W अपॉन कैपिटल W इन परसेंटेज। तो व्हाट इज वेट परसेंटेज, जब जब परसेंटेज की बात आएगी हम बात 100 में से करेंगे। तो हमें क्या देखना है, वही बहुत आसान है, वेट परसेंट, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही परसेंट यहां निकालना है। केमिस्ट्री में कोई अलग से परसेंटेज नहीं निकलेगा। कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, मान के चलो आप बाजार गए और बाजार से दो चीजें तीन चीजें खरीद के लाए, तीन वस्तु खरीदी आपने, तीन वस्तु क्या क्या खरीदी, मान के चलो आपने शक्कर ली, वो ले ली 5 kg, मान के चलो आपने दाल ली, वो ले ली 3 kg, और एक आपने नमक ले लिया, वो ले लिया 2 kg। तो आप बोलो टोटल मास आपके पास कितना इकट्ठा हुआ, जो आपने ये पूरा सामान एक थैली में है आपके में बैग में डाला हुआ है आपने, तो ये टोटल मास कितना हुआ 10 kg। अब मैं वही चीज पूछता हूं आपसे कि इस बैग के अंदर दाल का वेट परसेंट कितना है,
तो आप मैथमेटिकली कैसे करते हो, वेट परसेंट दाल का वेट परसेंट निकालना है, दाल प्रतिशत में निकालनी है आपको, तो आप कैसे करते हो, वेट ऑफ दाल या दाल का वेट 3 अपॉन टोटल वेट 10 इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। सेम यही प्रोसीजर यहां भार प्रतिशत निकालने में है। आपको देखो आपके पास सॉल्यूशन में है ही क्या चीज, दो ही तो है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंप्लीट है, जैसे हमने कहा थैला पूरा कंप्लीट कितना हुआ 10 kg, तो सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है क्योंकि सॉल्यूशन में सब कुछ मिला हुआ है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो हमने कहा सॉल्यूशन तो थैले वाला काम कर जाएगा और सॉल्यूट दाल वाला काम कर जाएगा और 100 में से निकालेंगे तो अपना भार प्रतिशत का जो फॉर्मूला बनेगा W अपॉन कैपिटल W इन परसेंटेज इक्वल टू, तो हम ये कह सकते हैं ये स्मॉल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हम सीधी सीधी डेफिनेशन दे सकते हैं कि 100 इकाई में यूज कर रहा हूं मैं, ना किलोग्राम यूज कर रहा हूं, ना ग्राम यूज कर रहा हूं, ना मिलीग्राम यूज कर रहा हूं, क्योंकि जिस यूनिट में वो हमें वेट देगा हम उसी यूनिट को उसमें पुट कर देंगे। मैंने कहा मान के चलो आपके पास सॉल्यूशन की 100 भार इकाई वेट यूनिट है, कोई भी यूनिट हो सकती है, 100 भार इकाई सॉल्यूशन में जितनी भार इकाई सॉल्यूट की होती है वही उसका क्या होता है, वेट परसेंट होता है। तो वेट परसेंट की डेफिनेशन क्या होगी, 100 भार इकाई विलयन में उपस्थित विलय की भार इकाई को हम क्या कह देंगे, भार प्रतिशत कह देंगे। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लिखा आ गया आपके लिए 5% W अपॉन कैपिटल W NaOH का जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है आपने। देखिए अगर आपको भार प्रतिशत पढ़ना आ गया तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होगा, लेकिन चूंकि हम केवल उसको रटते हैं उसको पढ़ना नहीं सीखते और फिर हम न्यूमेरिकल पुट करते हैं तो हम अटक जाते हैं, लेकिन आज नहीं अटकेंगे। देखिए कैसे इनसे हम केवल इस लैंग्वेज को पढ़कर सीखने से किस तरीके से बहुत सारी चीजें अपने आप निकाल सकते हैं। 5% W अपॉन W NaOH का जलीय विलयन का अर्थ बताना है हमें, मींस वन पानी। देखिए अर्थ कैसे निकालते हैं, देखिए एक तो आप मुझे बताओ कि यहां सॉल्यूट कौन है, विलय, हर चीज को बारीकी से देखेंगे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सॉल्यूट NaOH का जलीय विलयन है, इसका मतलब हमारा जल में हमने क्या घोला हुआ है, NaOH, तो इसका मतलब सॉल्यूट तो हमारा क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमसे पूछा, हमने पूछा सॉल्वेंट कौन है, विलायक। अब लाइन बता रही है हमारी, लाइन क्या कह रही है, NaOH का जलीय एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब किसमें घोला है हमने, जल में, यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन है, H2O। और देखिए हम क्या क्या चीज इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल इस लाइन को पढ़ना सीख रहे हैं हम कि 5% W अपॉन W का मींस क्या होता है। अब आप देखिए हमने सॉल्यूट का पता लगा लिया, सॉल्वेंट का पता लगा लिया, अब हम किसका पता लगाएंगे, 5%। मैंने देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, इसकी डेफिनेशन बताई थी कि 100 इकाई विलयन में जितना सॉल्यूट होता है वही भार प्रतिशत होता है। अगर सॉल्यूट 3 है तो भार प्रतिशत भी 3 होगा 100 इकाई में, अगर 100 इकाई में सॉल्यूट 5 है तो भार प्रतिशत भी 5 होगा, यदि 100 इकाई में सॉल्यूट 20 है तो भार प्रतिशत भी 20 होगा,
इसका मतलब जो इसकी क्वांटिटी है 100 इकाई में वही भार प्रतिशत है। यहां पे आप देखिए 5% डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू, इसका मतलब ये जो 5 है अगर मैं इसको 100 ले लूं, विलयन को 100 ले लूं, तो ये जो 5 है वो क्या होगी डब्ल्यू होगी। आप वैसे ही देख ले, यहां पे अगर मुझे 5 लाना है, 5 डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू लाना है, तो मैं यहां पे क्या कर दूं, और ये हमने कर दिया कितना 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बताइए यहां 5 लाने के लिए इसका मतलब सॉल्यूट भी कितना आएगा 5 आएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने सॉल्यूशन का वेट 100 लिया हुआ है तो ये जो परसेंटेज है वो सॉल्यूट का वेट होगा। अगर आपने सॉल्यूशन का वेट 100 लिया हुआ है तो जो ये परसेंटेज दी हुई है वो सॉल्यूट की वेट होगी। तो अब मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं, इस 5% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का अर्थ है कि क्या अर्थ है इसका, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है, यह अर्थ निकला हुआ कि 5% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मीन्स 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। अगर हमने ये बातें निकाल ली तो देखिए कितनी चीजें और निकाल सकते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 5 ग्राम है। मैं आपसे पूछूं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो आप तुरंत सॉल्यूशन कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 ग्राम है। और अगर मैं आपसे पूछूं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, अब आप देखिए सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का निकालना है, कैसे निकालेंगे सर ये नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता भाई, मैं आपसे पूछूं आपने 500 ग्राम पानी लिया, या मैं चलो ऐसे नहीं कहते हम तो ये कहते हैं पानी लिया आपने और पानी में आपने 100 ग्राम चीनी मिला दी और फिर उसको तोला और तोलने के बाद पता पड़ा वो कितना हो गया 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। अब आपने क्या बनाया, जो शरबत बना वो कितना हुआ आपका 1000 ग्राम और उसमें चीनी कितनी मिलाई थी, शक्कर कितनी मिलाई थी आपने, शक्कर मिलाई थी 100 ग्राम। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओ आपने पानी कितना लिया होगा, वाटर कितना लिया होगा, अरे यार अपने आप अंडरस्टूड है, जब आपने शक्कर 100 ग्राम मिलाकर उस पानी को कितना कर दिया 1000, इसका मतलब पानी उसमें कितना होगा 100 1000 - 100 = 900 ग्राम, यही होगा कि नहीं होगा। तो भाई वही तो हम कह रहे हैं यहां पे भी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है आपको 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है आपको 5 ग्राम, तो फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कहां कैसे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि कैपिटल डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल डब्ल्यू, बोले तो कितना 100 - 5 बोले 95 ग्राम। तो इस तरीके से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। केवल अभी हम इस लाइन को पढ़ना सीख रहे हैं, देखिए इसी लाइन से हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो सर, मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत आसान है, अब आप सॉल्यूट के मोल निकाल रहे हो तो फॉर्मूला वही है मोल निकालने का, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं कितना आया था 5, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की पता है हमें NaOH है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता पड़ गया कितना होता है 40, तो ये आपका क्या आ गया 1/8 मोल आ गया इसकी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं,
मोल ऑफ सॉल्वेंट, फॉर्मूला वही लगाना है। अब सॉल्वेंट लिया है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट का लेना पड़ेगा। तो वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 95 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है हमारे पास H2O, और इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 18। तो हम इस तरीके से मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं 95 अपॉन 18। तो इस तरीके से अगर आपने इस लाइन का अर्थ समझ लिया है, इस लाइन को पढ़ना समझ लिया है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको भार प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो भी आगे बढ़े, चलिए पढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। देखिए गलती कहां होती है बच्चों से, वो गलती सुधारते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन दे दिया है आपको कि 15 ग्राम मेथेनॉल, 15 ग्राम मेथेनॉल है और इसको आपने डिजॉल्व कर दिया है 35 ग्राम वाटर में। 15 ग्राम मेथेनॉल डिजॉल्व इन 35 ग्राम H2O, 15 ग्राम मेथेनॉल डिजॉल्व इन 35 ग्राम H2O, देन फाइंड आउट द वेट परसेंट, वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है 15 ग्राम मेथेनॉल डिजॉल्व 35 ग्राम H2O, तो हमें वही चीज देखनी है कि भाई यहां पर डिजॉल्व कौन किया है मेथेनॉल, यानी कि ये तो सॉलिड हो गया, और किसमें डिजॉल्व किया है वाटर में, वो सॉल्वेंट हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वेट परसेंट का, W पटे कैपिटल W इन परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। करना ही क्या है, इसमें हम पुट कर देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट 15 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 35 इंटू 100। ये लो सर निकल गया आंसर। बस यही गलती कर जाते हैं, ये आंसर नहीं है, ये गलत है। क्यों गलती है, अब आपको पकड़ में आ गई होगी क्या गलती कर दी मैंने। गलती ये कर दी कि यहां पर सॉल्वेंट नहीं आता, यहां क्या आता है सॉल्यूशन आता, यहां सॉल्वेंट नहीं आता, वेट ऑफ सॉल्यूशन आता है, पूरा बैग आता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था, वो 35 नहीं था, 35 तो क्या था H2O, यानी कि सॉल्वेंट था। तो आपको पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कैपिटल W। कैसे निकालोगे, विलयन का भार, वो क्या होगा विलेय का भार प्लस विलायक का भार, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 15 प्लस 35 इक्वल टू 50। अब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्यूट 15, वेट ऑफ सॉल्यूशन 50 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 30%। तो आपको यहां सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, हमसे जो गलती होती है वो गलती कहां होती है कि हम वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर वेट ऑफ सॉल्यूट यूज कर जाते, सॉल्वेंट यूज कर जाते हैं, और सॉल्वेंट नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना है सॉल्यूशन का वेट यूज करना है। तो ये आपका एक इकाई हो गई
भार भार इकाई पर आधारित भार प्रतिशत। अब हम सेकंड इकाई लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। दूसरी इकाई है पीपीएम, बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए बिल्कुल सेम भार प्रतिशत वेट परसेंट जैसी ही है। हम कहते हैं परसेंटेज कितनी वैल्यू पर निकालते हैं, 100 पर। वहां पर हमने सॉल्यूशन का वेट कितना लिया था परसेंटेज में, 100। लेकिन यहां क्या कह रहा है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि एक मिलियन में कितने पार्ट्स। तो जहां भार प्रतिशत में कहते थे 100 में से कितना भाग, 100 में से कितना भाग, वही भार प्रतिशत होता था। हमने यही तो कहा था विलयन के 100 भाग में कितना भाग विलयन का है, वो भार प्रतिशत था। अब हम कह रहे पीपीएम यानी कि मिलियन, यानी कि विलयन का एक मिलियन भाग है, उसमें से सॉल्यूट का कितना भाग होगा, वही क्या कहेगा, कहलाएगा पीपीएम। तो वही फॉर्मूला बना पीपीएम का, पीपीएम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब मिलियन, मिलियन मींस 10 to 10 की पावर 6। भाई मिलियन का मींस क्या होता है, 10 की पावर 6। 100 परसेंटेज का मींस क्या होता है, 100 यानी कि 10 की पावर 2। तो ये 10 की पावर 6 हो गया। तो ये पीपीएम है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन देनी है तो हम कैसे देंगे कि विलयन के 10 की घात 6 10 की पावर 6 भाग में विलेय के जितने भाग होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम। अब बात आती है सर, जब हमने परसेंटेज निकाल लिया था तो पीपीएम निकालने की कहां जरूरत पड़ी थी, हमें पीपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी। होता क्या है कि जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मान के चलो मैं समुद्री जल की बात करूं, सी वाटर, समुद्री जल में जैसे मैंने कहा समुद्री जल लिया, मान के चलो आपसे कह दिया कि समुद्री जल में सॉल्ट है, कौन से सॉल्ट की बात कर रहा हूं, मान के चलो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट की बात कर रहा हूं। अब कैल्शियम क्लोराइड समुद्री जल तो बहुत है, जैसे मैंने कह दिया समुद्री जल का जो भार दे रखा है आपको, वेट दे रखा है, वो दे रखा है 10 मिलियन 10 मिलियन केजी 10 मिलियन किलोग्राम क्या है, समुद्री जल, और उसमें कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो कितना है, मान के चलो 2 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता निकालनी है। अब इसकी सांद्रता हम दोनों इकाइयों में निकालने का प्रयास करेंगे, एक तो भार प्रतिशत में डब्लू अपॉन डब्लू में और दूसरा पीपीएम में। चलो पहले मैं डब्लू अपॉन डब्लू में निकालता हूं, डब्लू अपॉन डब्लू इन परसेंटेज इक्वल टू। अब वही चीज है, बताइए आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मिलीग्राम, तो 2 मिलीग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 मिलियन केजी 10 मिलियन केजी मतलब 10 × 10 की पावर 6 केजी और फिर परसेंटेज है तो किसका इंटू करना पड़ेगा, 100 का। अब क्या हम इस यूनिट को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऊपर क्या है मिलीग्राम और नीचे क्या है केजी, या तो इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा या इसको मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अब चलिए हम कोशिश करते हैं किसको क्या चेंज कर सकते हैं। अब मिलीग्राम को अगर हम केजी में चेंज कर रहे हैं तो आपको पता है,
करो 1 kg इक्वल टू होता है 10³ ग्राम। तो मैं ऐसे कह सकता हूं 1 ग्राम बोले तो 10³ - 3 kg, यानी 1 ग्राम में 10³ - 3 kg होती है। अभी तो हमारा ग्राम चेंज हुआ है, अब हमें क्या करना है, मिलीग्राम। आप जानते हो 1 ग्राम बराबर होता है 10³ मिलीग्राम, तो फिर चेंज करूंगा इसको, तो 1 मिलीग्राम वो होगा -10³ - 3 ग्राम। अब देखिए 1 मिलीग्राम बराबर 10³ - 3, और इस ग्राम की जगह अगर मैं किलोग्राम रखना चाहूं तो क्या रख दूंगा, ⁻⁴ kg। तो बताइए कितना आ जाएगा, 10⁻⁶ kg, यानी कि 1 मिलीग्राम में कितने केजी होते हैं, 10⁻⁶ kg। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, 2 × 10⁻⁶, अब ये केजी बन गया, अपॉन 10 × 10⁻⁶ kg इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, देखो 10⁻⁶ ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी, तो चलो अपन इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका माइनस हो गया, इसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁶ kg केजी से केजी तो कट गया। तो अब देखिए, आप देखिए, अगर मैं उस इस विलयन इस सॉल्यूशन का, इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व किया था, इस विलयन का वेट परसेंटेज निकालता हूं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 2 × 10⁻⁰%, बहुत बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मैं इसी कॉन्सेंट्रेशन को अब मैं किसमें निकालना चाहूं, ppm में, तो देखो कैसे कितना निकलेगी, ppm में निकालो वेट ऑफ क्या सॉल्यूट कितना है, 2 × मैंने चेंज करना सीख लिया है तो सीधा लिख रहा हूं 10⁻⁶ kg अपॉन, फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 × 10⁻⁶ kg इंटू 10⁶। तो आप यहां से देखेंगे, देखो बेटा 10⁶ से 10⁶ डाउन हो गया तो कितना निकला, 2 × 10⁻⁶ ppm। अब यहां पे देखो 10⁻⁷ है, यहां 10⁻¹२ है, तो अगर मैं इस वैल्यू की तुलना इससे करूं तो ये वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे विलयन, ऐसे सॉल्यूशन जो बहुत डाइल्यूट होते हैं, या यूं कह दूं कि जिनमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी और अगर और ज्यादा तनु हो तो उनकी हम ppv में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक और यूनिट होती है ppb, यहां इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, यहां क्या था मिलियन, ये क्या है बिलियन, वही फॉर्मूला बनता है ppv बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू, बिलियन मींस होता है 10⁹। तो आप देखिए यहां 10⁶ था मिलियन में, और बिलियन का मतलब है 10⁹, तो ये और ज्यादा तनु विलयनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का और अच्छा बेस्ट तरीका बन जाएगा। तो ध्यान रखना ppm और ppv ज्यादातर उन विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने में काम में लिए जाते हैं जिनकी सांद्रता बहुत कम होती है, अर्थात जो अत्यधिक तनु विलयन होते हैं। तो अब हमने वेट यूनिट पर आधारित 3 इकाइयां पढ़ ली। पहली इकाई भार प्रतिशत, वेट परसेंट या मास परसेंट,
दूसरी PPM पार्ट्स पर मिलियन और तीसरी PPB यानी पार्ट्स पर बिलियन। मेरे ख्याल से आपको यहां तक का टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां से आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।